अरे डर तो किस होगा बात ना का डर? इस बात का। अरे मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, अरे आपसे बोल रहा हूँ तो आप परेशान हो रही हैं। आप क्यों परेशान है? बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिएगा, मैं बोलूँ अपनी बात। मीडिया में हिम्मत नहीं है पूछने की कि कौन है नेता जो गया था वहाँ पे। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एंकर पर बैठकर टिप्पणी करना छोड़ दीजिए आप लोग, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपसे मैंने किस सवाल पे पूछा था? आपसे पूछा पाकिस्तान जिन्ना की एंट्री क्यों करवाई? आप कह रहे हैं कि एंकर अपने पेट में हवा भर के और आवाज तेज निकाले। एक बार फिर बेइज्जती का शिकार हुई गोदी मीडिया। अनुराग भदौरिया के हत्थे चढ़ी चित्रा त्रिपाठी। गोदी मीडिया के पत्रकार भी अपने आका की तरह हिंदू मुस्लिम और जिन्ना पाकिस्तान करने के आदि हो चुके हैं। इस मामले के इर्द गिर्द घूमने वाले इनके सारे सवाल विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा करने वाले होते हैं। ऐसे में जब चित्रा त्रिपाठी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से सवाल किया तो भदौरिया साहब ने उनकी गोदीगिरी पर धावा बोल दिया। देखिए डरी होगी ना, आप मुझे बोले डर है कि नहीं है आपके अंदर? अरे आपके सामने बोल रहा, अरे डर तो होगा ना इस बात का। अरे मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, अरे आपसे बोल रहा हूँ तो आप परेशान हो रही हैं। आप क्यों परेशान है? बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिएगा, मैं बोलूँ अपनी बात। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कह रहे, ईबा ईबा मतलब छात्र पे अत्याचार बा, छात्र के पीठ पे कुंदे के मार बा, रोजगार के बंटा धार बा, जुल्म के अंबार बा, छात्र के पुकार बा, अखिलेश भैया ही बचाओ बा। तो देखा आपने, भदौरिया साहब के बेबाक अंदाज ने तो चित्रा जी की बत्ती ही गुल कर दी, जिसके बाद चित्रा जी तो बौखलाहट का शिकार हो गई। लेकिन इस बौखलाहट में भी गोदी मीडिया अपनी गोदीगिरी के फर्ज से पीछे नहीं हटी। वहीं इस वीडियो पर एक शख्स ने लिखा है कि भाजपा को कुछ का हो तो बुरा एंकरों को लग जाता है। मीडिया केंद्र या राज्य सरकार से नहीं बल्कि विपक्ष से सवाल करती है। कमाल का मीडिया है हमारे देश का। यूजर ने आगे लिखा है कि अगर इलेक्शन के करीब आते आते खुद मीडिया जिन्ना पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम में गुम हो जाए तो उसे दलाल न कहें तो और क्या कहें। तो अनुराग भदौरिया ने भाजपा की दलाल एंकर पर दलाली का इल्जाम लगाते हुए जिस तरह से उन्हें भरी महफिल में जलील करके रख दिया, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।